मैं हूँ अभिलाषा दुबे, इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर के मार्गों में साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल में अध्ययनरत 12 बच्चों का परीक्षा फीस जमा नहीं करने पर रिपोर्ट कार्ड रोकने का मामला अभिभावक संघ ने उपायुक्त के समक्ष रखी। सीन ने उपायुक्त के समक्ष मामला रखी। आपको बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत मानगो स्थित साउथ पॉइंट एकेडमी स्कूल ने आरक्षित सीट पर अभिवंचित कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया गया है, जिसमें 2021 से 22 के लिए प्रमोट हुए यूकेजी और वर्ग एक के 12 बच्चों से परीक्षा फीस के नाम पर 600 रुपए की मांग स्कूल प्रबंधन द्वारा की गई है, जबकि अधिनियम के तहत वैसे अभिवंचित परिवार के बच्चों से किसी तरह का स्कूल फीस नहीं लिया जा सकता है। बावजूद अभिभावकों से पैसे की मांग की गई है और नहीं देने पर उन 12 बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोक दिया गया है। और यह मामला जब जमशेदपुर अभिभावक संघ को मिला तो संघ ने जिले के उपायुक्त से भेंट की और शिक्षा के अधिकारों के तहत दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराते हुए स्कूल द्वारा किए जा रहा द्रोहन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। स्कूल मांगों का आरटी अधिनियम के तहत स्कूल में पूर्व में नामांकित हो चुके बच्चे कमजोर करके, ये बच्चे अभी अध्ययनरत है स्कूल में और अभी जो है स्कूल प्रबंधन इन बच्चों के अभिभावकों से परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपये की मांग कर रहा है। अभी जो वर्तमान लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, अभिभावक इस स्थिति में नहीं है पैसे देने के लिए और वैसे भी आरटी दिन में इस तरह 13(2)(a) में ये प्रावधान है कि किसी तरह का ना कंपटीशन फी ऐसे वर्ग के बच्चों से लिया जा रहा है ना किसी अन्य मद में फीस लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फीस नहीं दे पाने की अभी बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोक किया गया है। जमशेदपुर अभिभावक संघ सभी बातों को जिला शिक्षा अधीक्षक के समक्ष रखते हुए मांग कर रहे हैं कि उनके माध्यम से बच्चों का रिपोर्ट कार्ड देने का तो स्कूल प्रबंधन को आदेश होंगे। इसके अलावा आरटी अधिनियम की धारा 13(2)(a) के तहत जो भी नया सहमत कार्रवाई बनती है स्कूल प्रबंधन परिषद। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बागुनातू में बर्थडे पार्टी में गए दोस्तों को स्थानीय युवकों ने रॉड और डंडे से हमला कर घायल कर दिया। आपको बता दें कि बागुनातू के